हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम नंबर चेक कर रहे थे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, लेकिन इधर हमें स्ट्रिंग चेक करनी है। और किसके थ्रू करनी है? हमें फंक्शन क्रिएट करना है जिसके थ्रू हमें स्ट्रिंग चेक करनी है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। अच्छा, पैलिंड्रोम क्या होता है? जैसे मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है और उसको रिवर्स करें तो वो दोनों सेम हो बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैडम, तो इसको रिवर्स करेंगे मैडम को तो ये क्या दे देगा? मैडम ही देगा अगेन। तो दिस इज पैलिंड्रोम। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल एक नेम भी आता है, जैसे नितिन एक नेम हो गया, लेकिन इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये क्या क्या ही देगा? नितिन ही देगा। सो दीज आर द पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स। तो इसका कोड आप देख सकते हैं, मैंने इधर थोड़ा सा लिखा हुआ है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं क्या है। उसके बाद मैं आपको पाइथन शेल के हेल्प से प्रोग्राम बना के दिखाऊंगी। तो इसमें क्या है, स्ट्रिंग फॉर आई इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज मैडम है, तो आई में क्या उठ के आ जाएगा? एक एक करके एक एक करेक्टर उठ के आएगा। और आर ई वी में हम क्या कर रहे हैं? आई प्लस आर ई वी। आर ई वी में सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? ब्लैंक, नथिंग। तो सबसे पहले आर ई वी में वो क्या दे देगा? आई में क्या है सबसे पहले? एम। कॉनकैटिनेशन हो रहा है, आर ई वी में सबसे पहले कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं कॉनकैटिनेट करेगा। नेक्स्ट टाइम आई में क्या आ जाएगा? ए। तो आई में ए आ जाएगा और आर ई वी में तो क्या था पहले से ही? एम। तो वो क्या कर देगा? ए आगे लगा देगा, फिर डी लगाएगा नेक्स्ट टाइम पे जब तक लूप खत्म नहीं होता, फिर ए लगाएगा एंड लास्ट में एम। आप इसका ड्राई रन करके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। केवल इतना से ही कोड है, इसको पाइथन शेल के से देख लेते हैं। तो ये मैंने खोला पाइथन शेल और एक फंक्शन पैलिंड्रोम बना लिया और उसमें हम क्या पास कर रहे हैं? अपना एक स्ट्रिंग जिसको मैंने स्मॉल एस से मेंशन कर दिया है। तो अब ले लेते हैं इधर आर ई वी, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं, नॉट इवन ब्लैंक, कुछ नहीं है। अब लगाएंगे हम अपना फॉर लूप, फॉर आई इन, जिसमें हमारी स्ट्रिंग उठ के एस स्मॉल एस में। अब आर ई वी इक्वल्स टू आई प्लस आर ई वी, मतलब एक एक उठ के आ जाए आई में स्ट्रिंग में जो भी है और उसको कॉन्कैटिनेट करता रहा एक एक करेक्टर पर। कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि एक एक करेक्टर उठ के उसमें कॉन्केटिनेट होता जाए और स्टार्टिंग होगी इसकी सबसे पहले करेक्टर से और वो सबसे पहला करेक्टर लास्ट में जाके कॉन्केटिनेट होगा। तो यही है हमारा बस प्रोग्राम। अब हम कराएंगे इफ कंडीशन चेक। इफ आर ई वी इक्वल्स टू हमारा जो एस था उसमें, तो इधर लगा देंगे प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ अगर वो दोनों सेम है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, अदरवाइज स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अब हम इधर कॉल करा लेते हैं अपने फंक्शन को। अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एस ले लिया और उसमें इनपुट करा दिया। तो एंटर करा दिया स्ट्रिंग एक और उस पैलिंड्रोम फंक्शन में उस स्ट्रिंग को पास करा दिया। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो एंटर करते हैं स्ट्रिंग, सपोज मैंने मैडम एंटर करा, सो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और एक बार और रन करके देख लेते हैं। हेलो हेलो प्रिंट कराया मैंने, तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो ये था आपका प्रोग्राम टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।